आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभाग समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से एक खास रिपोर्ट। भदोही में भीषण सड़क हादसा, खड़े कंटेनर में पीछे से टकराई एम्बुलेंस, चालक समेत 5 की मौत। ज्ञानपुर के भदोही जनपद में कोतवाली क्षेत्र गोपीगंज के अमुआ माधोपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की सुबह एक ढाबे के सामने खड़े कंटेनर में पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एम्बुलेंस भिड़ जाने से उस पर सवार चालक समेत 5 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि एम्बुलेंस के परखच्चे उड़ गए। एम्बुलेंस आसनपोल पश्चिम बंगाल से शव को लेकर चित्तौड़गढ़ राजस्थान जा रही थी। मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। एम्बुलेंस पर 2 चालक समेत 5 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान निवासी सूरजपाल सिंह का 30 वर्षीय पुत्र विपिन पाल सिंह चंदौलिया चित्तौड़गढ़ आसनसोल के कोल इंडिया में कार्यरत था, जहां किसी बात से क्षुब्ध होकर विपिन ने सुसाइड कर लिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। सूचना पाकर विपिन के बड़े भाई दिल्ली निवासी नवनीत सिंह शव को लेने के लिए। देखिए, आज अर्ली मॉर्निंग ये गोपीगंज कस्बे से 2 किलोमीटर पहले कमुआ गांव पड़ता है, वहां पर एक एम्बुलेंस जो खड़े कंटेनर में है वो घुस गई, जिसमें 5 लोगों की डेथ हो गई। इसमें बाद में पता चला कि एक व्यक्ति जो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था राजस्थान का, वो असम में नौकरी कर रहा था, वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। तो उसके 2 परिजन उसकी डेड बॉडी चित्तौड़गढ़ ले जा रहे थे, तभी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 5 व्यक्ति की डेथ हो गई है। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभाग समाचार को सब्सक्राइब करें।